हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मज़े में? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सेवेंथ लेसन। उसका नाम है काशाबा जाधव। तो कौन थे ये काशाबा जाधव जिनका लेसन आप लोगों को दिया गया है थर्ड स्टैंडर्ड में? ऐसा उन्होंने क्या किया है उनकी लाइफ में जिस कारण उनका जो लेसन है आप लोगों को दिया हुआ है? तो चलो फिर हम लोग देखते हैं काशाबा यादव जाधव। यस, जाधव। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या तुम लोगों ने कभी ओलंपिक्स गेम्स के बारे में सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो सारी दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं वो लोग पार्ट लेते हैं ओलंपिक गेम्स में, ठीक है? अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इस ओलंपिक गेम्स के समय में। जैसे क्या होता है, देखो, देर आर गेम्स एथलेटिक्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिमनास्टिक्स इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। तो जो विनर्स होते हैं उसमें वो लोग 3 प्राइज रखते हैं। अपना गोल्ड मेडल यानि सोने का मेडल होता है, और सिल्वर मेडल यानि चांदी का होता है, और ब्रॉन्ज मेडल यानि तांबे का मेडल होता है, ठीक है? एन ओलंपिक मेडल इज एन हॉनर, और ओलंपिक में अगर आपको ये मेडल मिलता है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही हॉनर की बात होती है, प्राउड की बात होती है। एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। इसलिए जो ओलंपिक में लोग जीतते हैं तो उन्हें वर्ल्ड चैम्पियन ही कहा जाता है, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पर है ना। इसके लिए फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल्स सो फार। कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। हीज नेम वॉज काशाबा जाधव। देखो, हमारे इंडिया में के सबसे पहले ओलंपिक में जो विनर्स थे, जिन्होंने मेडल जीता हुआ था, वो थे इंडिया के रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ पर थे वो रहने के लिए? महाराष्ट्र में थे। हीज नेम वॉज काशाबा जाधव। तो उनका क्या नाम था? काशाबा जाधव। काशाबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो काशाबा जाधव जी थे, उनका जन्म बहुत ही पुअर यानि गरीब फैमिली में हुआ था, विलेज में यानि एक गांव में। तो उस गांव का नाम था गोलेश्वर, और वो गांव कहाँ पर था? सातारा डिस्ट्रिक्ट में था। अंडरलाइन करना इसको। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। लेकिन ये जो फैमिली थी वो स्पोर्ट्स को बहुत ही लाइक करती थी, स्पेशली रेसलिंग को। हिज फादर, दादा साहेब, वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। अभी हम लोगों के महाराष्ट्र में ना उसको कुश्ती कहते हैं, ठीक है? हर गाँव में ना कुश्ती के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, और वो जीतते हैं, जीतने वाले को बहुत सत्कार किया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इंग्लिश में उसे वो लोग रेसलर कहते हैं। जैसे हमारे द ग्रेट खली जो है, वो भी एक गांव से ही आए हुए थे, तो उन्होंने भी बेस्ट रेसलर का जो सबसे बड़ा मेडल था, उन्होंने भी
जीता हुआ है। उसको भाई क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी मेरे जो बच्चे हैं ना वो मुझे बताएंगे फटाफट कमेंट करके कि खली ने कौन सा मेडल जीता हुआ था, बताएंगे ना। चलो फिर मैं वेट करती हूँ आपके आंसर के लिए। ओके, तो ये जो काशाबा जाधव थे उनकी जो फैमिली थी वो स्पोर्ट्स लवर फैमिली थी, तो उनके जो पिताजी थे दादा साहेब वो भी एक बहुत अच्छे रेसलर थे। ही हैड 5 sons। अभी उन्हें कितने बेटे थे, उनको 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज काशाबा, और उसमें से सबसे छोटा बेटा कौन था उनका, काशाबा था। दादा साहेब हिमसेल्फ थॉट हिज सन्स रेसलिंग दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट वॉज द बेस्ट अमॉन्ग देम वॉज काशाबा। तो उनके 5 बेटे जो थे वो लोग बहुत अच्छे रेसलर थे, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा और बेस्ट रेसलर कौन था, तो वो था काशाबा। फ्रॉम एन अर्ली एज काशाबा लव टू वॉच रेसलिंग डॉग्स। तो बचपन से ही काशाबा को ये जो मैच होते थे ना रेसलिंग के, वो देखने का बहुत शौक था। हिज फादर टुक हिम टू सी द बॉट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old। तो ऐसे जो रेसलिंग के कुश्ती के सामने कहते हैं उसको मराठी में, ये देखने के लिए उनके पिताजी उन्हें लेकर जाते थे। कितनी उम्र होती थी उनकी तभी, 4 साल के वो होते थे, तो उन्हें वो लेकर जाते थे। वो सब मैच होता ना ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो दिखाने के लिए। हिज फादर टुक हिम टू सी द डॉग्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old। ही वुड सीट ऑन हिज फादर्स शोल्डर्स एंड वॉच द बोट्स। तो गांव में कैसे होते ना वो, जब भी तुम लोग के अगर गांव में जाते हैं तो नाना नानी दादा रहते हैं, तुम लोग के चाचा होते हैं, अंकल एंड अंकल लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तुम लोगों को ऐसे खंधे पे बिठा कर या फिर बच्चों को ऐसे खंधे पर बिठा कर वो लोग लेकर जाते हैं ना, कहीं पर भी गाँव में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मेले में लेकर जाते हैं, तो ऐसे ना खंधे पे बिठा कर लेकर जाते हैं। पता है क्यों लेकर जाते इस तरह से खंधे में बिठा कर, एक तो आप लोग को दिखाई देना चाहिए सामने क्या हो रहा है वो, और दूसरा आप लोग कहीं खो न जाए, इसके लिए वो लोग खंधे पर बिठा कर ही लेकर जाते थे बच्चों को, वरना वो बच्चे में मेले में खो जाते हैं ना, इस डर से खंधे पे ही उठा लेते थे बच्चों को। तो शोल्डर एंड वॉच द डॉग एट 10 है ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा। अभी 10 साल की उम्र में वो अखाड़ा में उतरे, और वो सबसे छोटे लड़के थे जो अखाड़ा में उतरे हुए थे। फिर सून इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट नॉट ओनली इन हीज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। और जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ उनके अखाड़े में ही नहीं बल्कि वहाँ के सारी एरिया में वो एक बहुत ही अच्छे रेसलर थे। ठीक है, तो वो पूरी एरिया में भी बेस्ट थे। काशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। अभी ऐसा नहीं है कि काशाबा को सिर्फ रेसलिंग ही पसंद था, उन्हें जो दूसरे स्पोर्ट्स थे वो भी पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी मल्लखांब रनिंग स्विमिंग एंड जिमनास्टिक्स। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज। तो इन सब में भी वो पार्ट लेते थे। ये मल्लखांब मैंने देखा वो खंभे पे वो लोग लटक के उल्टा पुलटा लटक के वो लोग दिखाते हैं, वो कसरत दिखाते हैं, उसको मल्लखांब कहते हैं, वो लोग खंभे पर ही वो सब करते हैं। ठीक है, फिर तो उन्हें कौन से गेम पसंद थे तो अंडरलाइन करना इसको। ठीक है, तो कौन से गेम थे, कबड्डी था, मल्लखांब था, रनिंग था, स्विमिंग था एंड जिमनास्टिक।
ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज, इस सब में वो पार्ट लेते थे। ही बिकेम स्ट्रांग एंड एगाइल, ही लव्ड टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हीज फ्रेंड्स। और अभी वो बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत हो गए थे और अपने दोस्तों के साथ वो स्पोर्ट्स के बारे में ही बातें करते थे। देखते हैं भाई आगे क्या है, है तो बहुत इंटरेस्टिंग। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज्ड। अभी देखो इन लोगों के लिए भी कॉलेज था, कहाँ पर, कोल्हापुर में राजाराम कॉलेज में वो गए थे जहाँ पर रेसलिंग को बढ़ावा देते थे। काशाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बॉट्स एंड वॉन देम ऑल, और वहाँ के हर कंपटीशन में उन्होंने पार्ट लिया और हर कंपटीशन वो जीते भी। देन देयर फॉर वो कहा काशाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बॉट्स एंड वॉन देम ऑल इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन, और उस एरिया के वो चैम्पियन कहलाने लगे। Therefore he was sent to wrestle at the state level and national level. उसके बाद उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए भी भेजा गया। काशाबा जाधव became famous at the national level too. जो काशाबा जाधव थे वो नेशनल लेवल पे भी बहुत फेमस हुए। He beat the national champion निरंजन दास in 1948, जो नेशनल चैम्पियन निरंजन दास थे उन्हें भी उन्होंने हराया था। दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। इसके लिए इन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि काशाबा जाधव को ओलंपिक गेम्स में भेजा जाए, जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। When काशाबा जाधव took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. अभी जब काशाबा जाधव Olympic Games में part लेने के लिए पहली बार गए तभी उन्होंने क्या देखा कि इंडिया के कायदे कानून rules जो होते हैं games के और international जो rules होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। ऑल्सो ही वॉज यूज्ड टू रेसलिंग इन एन अर्दन पिट एट द ओलंपिक गेम्स, द बॉट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट। अभी जनरली ये जो गांव में कुश्ती होती है, रेसलिंग होता है, तो वो एक मिट्टी के अंदर खेलते हैं वो लोग, तो यहाँ पर ओलंपिक गेम्स में उनके लिए मैट रखा हुआ था गेम खेलने के लिए। In spite of these differences, काशाबा जाधव won a sixth place out of 42. अभी इतना सब changes होने के बावजूद भी, इतना सब differences होने के बावजूद भी काशाबा जाधव ने 6 जगह वो जीते थे और कुल मिलाकर 42 मैच उन्होंने खेले और 6 मैच में वो जीते थे। The Olympic Games are held every 4 years in 1952. Kashaba wished to take part in the Olympic Games. अभी काशाबा भी चाहते थे Olympic Games में पार्ट लेना, but it was not an easy task. लेकिन ये इतना आसान नहीं था। He had to prove his merit again and face the opposition of officials. एक तो उन्हें अपनी काबिलियत प्रूव करनी थी और ऊपर से ये जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होते हैं ना, और फिर कोई अगर आगे बढ़ता हो तो फिर अपने दुश्मन लोग भी उतने पैदा हो जाते हैं, फिर उन सबको फेस करना आसान नहीं था। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रेवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड। देखो अभी उस समय में कैसा था कि अगर ओलंपिक गेम्स में अगर आप पार्ट ले रहे हैं
तो आपको वहाँ पे जाने का, आने का, रहने का, खाने का, सब आपका जो खर्चा है वो आप ही करोगे। तभी उस समय में गवर्नमेंट खर्चा नहीं देती थी, अभी तो सब गवर्नमेंट ही खर्चा करती है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता। ऊपर से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा था कि जो जा रहा है कंपटीशन के लिए उसे ही सारा खर्चा करना पड़ता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अभी उस ज़माने में आप लोग सोचो कितना महंगा होगा वहाँ पर जाना। काशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी काशाबा जाधव थे, उनके पास तो इतने पैसे थे नहीं जाने के लिए, और ऊपर से गवर्नमेंट में से भी उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिले थे। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिम ओन हाउस टू गेट द मनी। तो ये जो राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपना घर गिरवी रख के देकर उनके लिए पैसे लिए। अदर पीपल इन काशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प, और काशाबाज के विलेज में के जो लोग थे उन्होंने भी हेल्प किया, उन्हें जितना उनसे बन पड़ता था उतना, 500 नहीं तो 5 रुपया, 50 रुपया, ऐसा कुछ भी उन लोगों ने दिया। इन 1952 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन हेलसिंकी, देयर काशाबा जाधव हैड टू फेस अपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज। तो जब वो गए थे 1952 में ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए, कहाँ पर हुआ था वो? हेलसिंकी, हेलसिंकी में हुआ था। तो वहाँ पर काशाबा जाधव को किसके साथ में, उनके अपोनेंट कौन थे, उनके अपोजिट पार्टी में कौन थे, तो रशिया एंड गल्फ कंट्रीज थे। ही वॉन द फर्स्ट 5 डॉप्स क्वाइट ईजीली। जो पहले 5 उनके जो फाइट हुए, सामने हुए, वो आसानी से वो जीत गए। ही वॉन ईच बॉट विद इन 5 मिनट्स। हर उनका जो बॉट था वो 5 मिनट में ही वो जीत गए थे। ही देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। फिर उसके बाद एक जापान का रेसलर आया। They were both well matched, दोनों बहुत ही well matched थे, यानी वो भी बहादुर था और ये भी बहादुर थे। The bout lasted for 15 minutes, Kashaba lost the match by just 1 point, और इस तरह से 15 मिनट तक उन्होंने कुश्ती खेली, लेकिन कुछ एक पॉइंट के लिए ही काशाबा जो थे वो मैच हार गए थे। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. अभी ये कुश्ती हारने के बाद वो बहुत ही थक गए थे, उनमें खड़ा रहने की भी ताकत नहीं थी। तभी उन्हें इमीडिएटली पूछा गया किसके साथ रेसलिंग करने के लिए, किसके साथ कुश्ती खेलने के लिए, सोवियत रेसलर के साथ। तुरंत ही उनका कुश्ती का मैच रखा गया। इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स, एक्चुअली ये कायदे के खिलाफ था, नियम के खिलाफ था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स काशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट 1/2 hour बिफोर द सेकेंड बॉट। एक्चुअली उसका नियम ऐसा है कि एक रेसलिंग का एक मैच खेलने के बाद कम से कम 1/2 घंटा तो उस रेसलर को रेस्ट मिलना ही चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरी कुश्ती खेलने के लिए जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने काशाबा के साथ ऐसे नहीं किया। एक मैच में हारने के बाद तुरंत ही वो इतना थक गए थे तो उन्हें इमीडिएटली सोवियत रेसलर के साथ उन लोगों ने उनका मैच रख दिया। काशाबा लॉस्ट इन द बॉट ऑफ द सोवियत रेसलर, स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग 3rd। तो इस तरह से काशाबा जो थे वो सोवियत रेसलर से हारे और उनको आखिर में 3rd prize यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला। When काशाबा returned to Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. और जैसे ही वो
हेलसिंकी से वापस आए तो जो गांव के लोग थे उन्होंने उनका बहुत ही जोर शोर से स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया। प्रोसेशंस ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम इन हीज होम विलेज ऑफ भोलेश्वर। कितने बुलक कार्ट्स आए थे? 151 बुलक कार्ट्स आए थे उनको वेलकम करने के लिए। द विलेजर्स कैरीड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स। और जो गांव के लोग थे उन्होंने ढोल ताशे बजाकर बहुत ही जोर शोर से अपना जो विनर था, उस अपना जो उनका हीरो था उसे लेकर गए। काशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम। और काशाबा जाधव जो थे वो उन्हें भूल नहीं सकते थे जिन्होंने उन्हें हेल्प किया था। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बॉट टू रेज मनी। फिर उसके बाद पैसा कमाने के लिए वो खेलने लगे, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हीज हाउस फॉर सेंडिंग काशाबा टू हेलसिंकी। तो वो जो प्रिंसिपल थे वो उनके लिए पैसे नहीं कमाना चाहते थे। जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने अपना घर बेचकर काशाबा को हेलसिंकी में भेजा हुआ था, तो द प्रिंसिपल गॉट हीज हाउस बैक अगेन। तो वो जो गिरवी रखा था उन्होंने उनका घर, तो उनको उनका घर वापस दिलवाने के लिए वो पैसे जीतने लगे। काशाबा वॉन ग्रेट हॉनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज। काशाबा जाधव जो थे उन्होंने हमारे देश के लिए एक बहुत ही ऐसे सम्माननीय काम किया हुआ था, हालांकि हम लोगों की तरफ से, हमारे देश की तरफ से उन्हें कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज़, लेकिन आजकल के जो स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। शुडंट वी ऑल ट्राई अवर बेस्ट टू विन ग्रेटर हॉनर फॉर अवर मदरलैंड। तो हम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए ना कि हमारे ग्रेट हमारे देश के लिए हम लोग भी कुछ जीत कर लाए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेसन था वो अपना हो गया है कंप्लीट, और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अभी जल्दी ही मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, तब तक के लिए आप ये लेसन अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और पहली बार देख रहे हैं अगर आप मेरा चैनल, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड बाय बाय।